हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो IBPS का जो वैकेंसी है वो आ चुका था, बहुत ही पहले आ चुका था। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ लास्ट डेट के कारण, लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर बच्चा कम से कम हर फॉर्म को भर पाए। इसलिए लास्ट डेट मैं बता पा रहा हूँ कि आपको ये लास्ट का जो 5-4 दिन बचा रहता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्म आया था ये सब। तो मैं इस कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट में भी वीडियो बनाया जाए। तो लास्ट में मैं जो बात कर रहा हूँ IBPS का रूरल रीजनल बैंक का RRB का बात करो, उसका फॉर्म आ चुका है। तो उसका लास्ट डेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो जो एप्लीकेशन चालू हुआ था वो 7 जून को हुआ था, 7 जून को हुआ था। आप देख सकते हो 7 जून को यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट इसका 27 तारीख तक रखा गया है, 27 जून तक ही रखा गया है लास्ट डेट। कोशिश कीजिए फॉर्म को बहुत, अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी जाकर अभी फॉर्म को अपना भर लीजिए। एग्ज़ाम का डेट बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा, लगभग आपका अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और एडमिट कार्ड उसके पहले एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले तक एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। फेज़ टू का जो एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर के बीच में हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन जो फ़ी है वो जनरल OBC के लिए बात करेंगे तो 850 रुपये लगने वाला है, 850 रुपीज़ लगने वाला है। ST, SC और PH कैटेगरी के लिए 175 रुपीज़ लगने वाला है, और ये पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर पाओगे। नेक्स्ट एज लिमिट का बात करेंगे तो एक एज लिमिट रखा गया है, 1 जून 2022 तक का मैं बात करने वाला हूँ। तो ऑफिस असिस्टेंट का बात करें या ऑफिस स्किल्स 1 का बात करें तो अलग अलग एज रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट का बात करेंगे तो 18 से 28 साल का एज मिनिमम जो एज है आपको कब कंप्लीट होना चाहिए, 1 जून 2022 तक 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। सीनियर मैनेजर स्किल 2/3 का बात कर रहा हूँ, ये 1 का बात करें तो 18 से 30 साल है, और 3/3 का बात करें तो 21 से 40 साल की उम्र स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएंगे। अदर पोस्ट इसके अलावा जो 3 पोस्ट के अलावा जो अदर पोस्ट हैं उसके लिए 21 साल से 32 साल के स्टूडेंट्स फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी का डिटेल है, 8000 लगभग वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है। अलग अलग वैकेंसी का यहाँ पे देख सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट का मैं जैसे बात किया हूँ एज में, सेम एज यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी में मैं बता देता हूँ। ऑफिस असिस्टेंट का 4483 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, ऑफिसर स्केल्स 1 के लिए 2676 आया है, और ऑफिसर स्केल 2 का 745 आया है। यहाँ पर देख सकते हो ऑफिस असिस्टेंट का मैं जैसे बात कर रहा हूँ, ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पर जो डिग्री है, जो एलिजिबिलिटी है आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री कम्प्लीट होना चाहिए। लगभग ऑफिसर स्किल्स 2 के लिए भी बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए बैचलर डिग्री तो होना चाहिए लेकिन एटलीस्ट आपका मिनिमम 50% स्ट्रीम में होना चाहिए और 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का, 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक ना, ऐसे आप रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट और भी है ऑफिसर स्केल 2 का इन्फॉर्मेशन। ITO का मैं बात करूँ, 57 वैकेंसियाँ हैं, इसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग पोस्ट के आधार पर लिया जाएगा। कंप्यूटर साइंस IT होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्किल्स 2 का चार्टर्ड अकाउंटेंट का बात करें, पास CA हो जाना चाहिए आपका कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हो 19 पोस्ट आया है ऑफिसर स्किल्स, लॉ ऑफिसर्स के लिए बैचलर डिग्री LLB में होना चाहिए, साथ में आपको 2 साल का एडवोकेटरी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोस्ट के लिए भी हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजर ऑफिसर स्किल्स 3rd, सब के लिए आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। MBA चाहिए सब में लगभग, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए तो एग्रीकल्चर में डिग्री आपका चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए कुछ ऐसा, देख सकते हो। ऑफिसर स्किल्स 3rd का जैसे बात कर रहा हूँ, डिग्री चाहिए बैचलर लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपके साथ। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो, यहाँ पे अलग जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए, ऐसे करके पोस्ट यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ऑफिसर असिस्टेंट के लिए 4483 चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज। ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, सभी स्टूडेंट के साथ, अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। साथ में वीडियो को अब कुछ भी लाभ हुआ, कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।